नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है शंखनाद का। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। आजान से धर्म प्रचार और अखंड पाठ से ध्वनि प्रदूषण। आजान और अखंड पाठ पर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है शंखनाद में। इसी मुद्दे पर अहम सवाल उठा रही हूं, बड़ा सवाल, सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर पर आजान क्यों? क्या आजान से धर्म प्रचार, अखंड पाठ से प्रदूषण होता है? क्या अखंड पाठ से रामद्रोहियों की नींद हराम हो गई है? आजान पर सियासी चुप्पी तो रामायण पर आघात क्यों? मुस्लिम देशों में लाउड आजान बैन है, फिर आखिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं? मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने लाउडस्पीकर पर आजान बैन करने की मांग कर दी है। इसके पहले याद होगा आपको, सोनू निगम भी आजान के शोर के ऊपर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन वोट की खातिर सियासी नेता इस मुद्दे को तूल देने में जुटे हुए हैं। रामद्रोहियों ने अब आजान की तुलना रामायण के अखंड पाठ से कर दी है। समाजवादी पार्टी सांसद, वही समाजवादी पार्टी जो MY समीकरण के भरोसे आगे बढ़ती है, उसी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का तर्क है आजान सिर्फ 3 से 4 मिनट की होती है मात्र, जबकि अखंड पाठ 24 घंटे चलता है, उससे ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। बर्क का तर्क है कि जिन्हें आजान से आपत्ति है उन्हें खुदा से भी आपत्ति है। कुछ और नेताओं का यह कहना है कि आजान के मुद्दे को हवा देकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। अब सवाल ऐसे में यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर रोक लगा दिया है, नवरात्र में जगराता बंद हो चुका है, शादी में DJ के ऊपर रोक है, रात में 10 बजे के बाद तेज आवाज में DJ, आपके घर में शादी ब्याह है नहीं बजा सकते आप, तो फिर आखिर तेज आवाज में अजान की जरूरत क्यों है? वो भी तब जब कुरान में इसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं गया है, कहीं बताया ही नहीं गया है। तमाम मुस्लिम देशों में लाउड आजान के ऊपर बैन है, फिर हिंदुस्तान में आखिर इसके ऊपर राजनीति क्यों है? शंखनाद में इसी के ऊपर बड़ी बहस करूंगी, मेहमानों का परिचय आपसे करवाऊंगी। रिपोर्ट पहले आप देखिए। कि अगर वो नहीं मानेंगे या अपनी जिद पे रहेंगे तो निश्चित पे है। सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, लाउड होगी अजान, अखंड पाठ से राम द्रोहियों की नींद हराम, अजान से धर्म प्रचार, अखंड पाठ से प्रदूषण। नमाज सड़क पर पढ़ेंगे, अजान लाउड स्पीकर पर ही होगी, लेकिन कोई सवाल उठाए तो तर्क देते हैं कि धर्म प्रचार के लिए अजान का लाउड होना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर कहीं रामायण का अखंड पाठ हो, नवरात्र में जगराता हो, तो कहते हैं ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हनुमान चालीसा, अखंड पाठ और अजान नमाज को लेकर छिड़ा धर्म युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। SP सांसद शफीकुर रहमान ने अजान की तुलना अखंड पाठ से करके विवाद और बढ़ा दिया है। वो अजान जो 3 मिनट 4 मिनट में पूरी हो जाती है, वो अजान जिसमें खुदा का नाम लिया जाता है, खुदा को पुकारा जाता है, किसी को क्या परेशानी हो सकती है? दुनिया कहां से कहां चली गई है, मगर हमारे यहां के कुछ लोग आज भी धार्मिक चीजों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क का तर्क है कि अखंड पाठ 24 घंटे होता है, जबकि अजान सिर्फ 3-4 मिनट। यही नहीं, SP सांसद का कहना है कि अगर किसी को अजान से आपत्ति है तो उसे खुदा के नाम से भी आपत्ति है। लेकिन सवाल यह है कि खुदा की इबादत के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत? ऐसा कुरान में तो नहीं लिखा? जब लाउडस्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। अगर देर रात जगराता और DJ पर रोक है तो अजान के लाउडस्पीकर पर क्यों नहीं? कि अगर वो नहीं मानेंगे या अपनी जिद पे रहेंगे तो निश्चित पे है। अगर इन्होंने भी, हिंदू संगठनों ने भी अगर हनुमान चालीसा या अन्य आवाज जोर से बजाना शुरू की तो ये इसको कोई भी मना नहीं कर पाएगा और इसको मजबूरी बस सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कि जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं
उन लोगों ने इतनी दूरियां खड़ी कर दी कि हम लोग धर्म की चीजों का वास्तविक उद्देश्य समझना ही नहीं चाहते। एसपी नेता दावा कर रहे हैं कि समाज में नफरत फैलाने के लिए अजान को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, पर सवाल यह है कि जब अखंड पाठ के लिए प्रशासन से इजाजत ली जाती है, फिर तेज आवाज में अजान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अमल क्यों नहीं किया जाता। सिंगर अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम लाउड अजान के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। अनुराधा पौडवाल का कहना है कि जगराता करने वाले तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, फिर अजान के शोर पर रोक क्यों नहीं है। सवाल यह है कि अजान पर चुप्पी और अखंड पाठ पर सवाल क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए शंखनाद की शुरुआत में कर लेती हूँ। शंखनाद के साथ ही शंखनाद की अब आगे शुरुआत करूंगी। आचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो शंखनाद ये आपने सुना, जो कि लाउड स्पीकर के ऊपर नहीं था। हर रोज घरों में शंखनाद होता है, क्योंकि कहते हैं भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है ये, और जहां शंखनाद होता है मां लक्ष्मी का भी निवास होता है, क्योंकि वो धर्मपत्नी है विष्णु की। लेकिन ये लाउड स्पीकर लगा के हर घर में नहीं होता है। मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी मेरे साथ हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु, अभी शंखनाद करते हुए आपने सुना ही उन्हें। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी मेरे साथ, समाजवादी पार्टी नेता इस वक्त जुड़े हुए, और इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस समय। बहुत स्वागत है आप सभी का। और हाजी खान जी, सर आपके साथ शुरुआत करियो। हाजी जी, मुझे आप ये बताएं कि कुरान में कहीं ये लिखा हुआ है कि लाउडस्पीकर होना चाहिए? क्या पता अल्प ज्ञान है मुझे, मैं नहीं जानती, कहीं लिखा है लाउडस्पीकर होगा तभी अजान कबूल होगी? देखिए शालिनी जी, बात यह है कि जैसा आप कह रही हैं, इस्लाम में क्या है क्या नहीं है इसकी आपको मालूमात है या नहीं मुझे नहीं जानकारी, लेकिन ये अजान जो होती है वो अजान के बारे में ना तो अल्लाह को बुलाया जाता, ना ये लोगों को पुकारा जाता है कि आओ हैया अलसलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलफलाह, इसी में कामयाबी है, ये लोगों को पुकारा जाता। पहले छोटे मोहल्ले होते थे, मकान थोड़े से होते थे, आबादी कम थी, तो लोगों की आवाज़ बिना लाउड स्पीकर के भी पहुंच जाती थी जिन लोगों को नमाज के लिए बुलाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन आज क्योंकि तादाद बढ़ गई और ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। माफ कीजिएगा हाजी खान जी, बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि सवाल मुझे फिर से मेरा दोहराना पड़ेगा। नमाज के वक्त या लाउड स्पीकर पर अजान आप क्यों देते हैं, उसके पीछे की वजह क्या? मैंने नहीं पूछा। कुरान में जिसका हर बार आप लोग हवाला देते हैं, कहीं ये लिखा है, कहीं ये मेंशन है, तो मुझे मेरे दर्शकों को बताइए कि बिना लाउडस्पीकर के अजान नहीं हो सकती। देखिए मैडम, एक है कुरान और एक है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए, एक साहबी ने हुजूर आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने रात को ख्वाब में ये अल्फाज देखे हैं। अब जो ख्वाब के अल्फाज थे उसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों की ये बात है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैला रहे थे और नमाज का जब हुक्म आ चुका था उसके बाद। लाउड स्पीकर कब बना? लाउड स्पीकर तो अभी किया जाता है, लाउड स्पीकर से उसका कोई सवाल पूछ रही हूं। कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद की आप बात करें, कहीं किसी का लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर से कोई संबंध नहीं है, तो लाउड स्पीकर लगा करता था, नाजान होती थी, मोहल्लों में परेशानी पैदा करने की जरूरत क्या है, मीडिया पर आप दिखाते थे। हाजी खान जी, जब लाउड स्पीकर का मेंशन नहीं किया गया कुरान में, तो लोगों को परेशान करने की जरूरत क्या है? चार बजे भोर में लेकिन कीर्तन का एक समय होता है, लोगों की जरूरत है, बुलाने की जरूरत है। हाजी खान साहब, यही शंखनाद हर रोज सुबह लाउडस्पीकर पर आपको कोई सुनाए? आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? हमारे साथ यही शंखनाद हर रोज सुबह आपको लाउडस्पीकर पर कोई सुनाए? मुसलसल कीर्तन की आवाज सुनाए? आपके मोहल्ले में कोई शंखनाद करे? हमारे मोहल्ले में कीर्तन मंदिर में होता है, इधर अजान होती है उधर कीर्तन शुरू हो जाता है, हम नमाज पढ़ते हैं वो कीर्तन करते हैं, हमारा कोई ऐतराज नहीं। हम क्यों ऐतराज करें? मैं कह रही हूं गलत है, मैं धर्म की बात ही नहीं कह रही। गुरुद्वारे के ऊपर अगर इतनी तेज से लाउडस्पीकर बज रहा है तो वो भी गलत है, मंदिर पर हो रहा है गलत है, आप कहिए मस्जिद पर गलत है,
नमाज है, आप कहिए मस्जिद पर गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आप कहिए मस्जिद पर गलत है। मैं कह रही हूँ आपकी नींद खराब हो रही है मंदिर में, अगर इतनी देर लाउडस्पीकर बज रहा है तो गलत है। आप ये कहिए, आप ये कहिए फिर लाउडस्पीकर मस्जिद पर गलत है, स्पीकर से मस्जिद को बुलाया जाता है, बिना लाउडस्पीकर के उनके घर आवाज नहीं जाएगी, बिना लाउडस्पीकर के कोई आएगा नहीं, फोन में अलार्म नहीं लगता, फोन में अलार्म नहीं लगता, लोगों के पास समझ की कमी है, समझ की कमी है, सर लोगों के पास समझ की कमी है। आप मस्जिद पर चिल्लाएंगे लाउडस्पीकर लगा के तभी उन्हें समझ आएगा, समझ की कमी है। ओनली टू मिनट, टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, दो मिनट में बीपी हाई हो जाता है, दो मिनट में हाइपरटेंशन हो जाती है, दो मिनट में बुजुर्ग आदमी की नींद जब खराब होती है दोबारा नींद नहीं आती है। आप क्या बात करते हैं, हजार बीमारी है, हजार बीमारी है, हजार बीमारी। अनिला सिंह जी आपके पास में आ रही हूँ, अनिला सिंह जी आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि जानबूझकर महंगाई से ध्यान बचकाने के लिए, रोजगार से ध्यान बचकाने के लिए, जो देश में हालात चल रहे हैं उससे ध्यान बचकाने के लिए ये मुद्दे आप लोग लेकर आते हैं ताकि लोग आपसे सवाल ना पूछें। अनिला सिंह जी, मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दे बिल्कुल भी नहीं लाती है। भारतीय जनता पार्टी केवल ये कहती है कि जो परमिसेबल लिमिट है साउंड की, आप उसके अंदर कुछ भी करिए, चाहे वो किसी भी मजहब से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, ये कहने से कुछ नहीं सॉल्व होने वाला कि भाई क्योंकि हमको सुबह ये अजान लगानी होती है सबको उठाने के लिए कि भाई उठ जाओ नमाज अदा करो, या किसी और धर्म के लिए कहे। यहाँ पे कोई धर्म का मसला नहीं है, यहाँ पर ये है कि साउंड पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, और जिसके साउंड पॉल्यूशन की वजह से जो शरीर है उस पर भी असर आने लग गया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल ये कहती है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, आप वो करिए जिसकी इजाजत है आपको, परंतु क्या किया जाए। कुछ राजनीतिक दल जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और अगर कहीं से मस्जिद का मसला आ जाता है तो वो प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, और उनको समझाने की जगह कि यहाँ आप पर गलत है, वो उनका मुकदमा लड़ने बैठ जाते हैं। मुकदमा लड़ने की ये हद हो जाती है कि चाहे वो आतंकवादी का मुकदमा हो, अपराधी का मुकदमा हो, या फिर परमिसेबल जो लिमिट है उससे भी ज्यादा सुबह सुबह कोई भी अगर आवाज कर रहा है लाउडस्पीकर के द्वारा, चाहे उसका मसला हो। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांड कांड हुआ था, वहां केवल और केवल ये गलती हो गई थी कि मंदिर पे लाउडस्पीकर लगा हुआ था और पुलिस वालों ने हिंदुओं को पकड़कर जेल में ठूस दिया। ठीक बात। उन्हें लाउडस्पीकर कैसे लगाया मंदिर पे। भुवन जोशी जी, मस्जिद का तो एक मसला नहीं। भुवन जोशी जी, एक मंदिर पर लाउडस्पीकर रहता है, हिंदुओं की पिटाई कर दी जाती है, आपके सांसद ये कहते हैं अखंड रामायण का पाठ होता है उससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। सर, तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए इस हद तक तो नहीं होना चाहिए ना, गिरना चाहिए इंसान को। शालिनी जी, देश का स्वभाव क्या है वो आज आपके कार्यक्रम की शुरुआत से हमें लगा, और आपके कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी आपने करी। एक हिंदू संत वहां पर शंख बजा रहे थे और एक मौलवी जी उसका शांति से सुन रहे थे। ये देश का सौहार्द है जिसकी हम मानते हैं और जिस सौहार्द के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब से दुर्भाग्य का विषय है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की। सर, इसके आगे आप बाद में बोलिएगा, आपकी बात चुकी मेरे शंखनाद कार्यक्रम से हुई है तो मैं आपको बता दूं, अगर आचार्य जी ने शंखनाद यहाँ पर किया है तो हाजिर खान साहब को मैंने मजबूर नहीं किया वो सुनने के लिए। अगर अनुराधा पौडवाल ये कह रही है कि नींद खराब हो रही है, सोनू निगम ये कह रहे हैं नींद खराब हो रही है, और देश का संविधान कह रहा है कि आप जबरदस्ती किसी को नहीं सुना सकते अपने धर्म की बात, दोनों में फर्क है। शालिनी जी, मैंने आपके उस आपने आप मेरी बात को या तो समझना नहीं चाहती या सुनना नहीं चाहती, मैं आपको बताता हूँ। यही मैं भी आपको कहना चाहती हूँ सर, या मेरी बात आप समझना नहीं चाहते या सुनना नहीं चाहते, आप जज तो कोई है नहीं यहाँ पर। मैं विषय बता रहा हूँ, जिस तरह का भारत का सौहार्द है वो सौहार्द यही था कि एक पंडित जी शंख बचा रहे थे और यहाँ पे मौलवी साहब उसे सुन रहे थे। बिल्कुल। और वही जब मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर बजता है, सरकार आपकी रही होती है। अभी अनिला सिंह ने दे दिया आपको उदाहरण। अरे पश्चिम बंगाल में तो देखिए, पुलिस की तरफ से पश्चिम बंगाल ये भारत का स्वभाव है। रामनवमी का
किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कैसे तोड़फोड़ करते हैं लोग, आप देखिए। काट काट भूल गए आप, काट काट आप भूल गए। जितने पर यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं इनसे मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, जब भी आपके अनिला सिंह बोलती है या पंडित जी बोलेंगे या मौलवी जी बोलेंगे, मैं सबको सुनता हूँ, और जब मैं सबको सुनता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हम अपना, ठीक है सर, अब आपको सब सुन रहे हैं, बीच में इंटरप्ट ना करें, ठीक है सर, सब सुन रहे हैं, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अजान के बहाने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का और देश का सौहार्द जो खराब करने की कोशिश कर रही है, अच्छा, बहुत निंदनीय है। शफीकुर रहमान बर्क साहब क्या कर रहे हैं फिर, जो भारत की जो मूल भावना है, अगर कौन है जो बोल रहे मेरे टाइम में, नहीं नहीं, मैंने जो पूछा उस पे वो जवाब दे रहे थे सर। आजिक खान साहब यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं स्टूडियो में, मैं कह रही हूँ बीजेपी देश का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश कर रही है, शफीकुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं, आपके सांसद क्या कर रहे हैं फिर? मैं कहना चाहता हूँ हम सर, वो तो आदतन ऐसा बयान देते हैं कि आग लग जाए, तुष्टीकरण की राजनीति तो समाजवादी पार्टी शुरू से करते आई है। मैडम शालिनी जी मुझे जाना पड़ेगा, मेरे को लगता है ये धर्मगुरु साहब हमारी बात को समझ नहीं पाए, इनको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? हमने जब सर मैंने आपको आप गलत बोलेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। आचार्य जी उनको हमारी बीमारी नहीं है, आप बीमार हैं आचार्य जी, वो भी मेहमान है। मैंने 40 सेकंड दिया सर, अब आप जो बोलेंगे काउंटर में 40 सेकंड के बाद करूंगी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ इस देश का जो स्वभाव है, जो कार्यक्रम की आपकी शुरुआत है उसका वो आपके देश का सौहार्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, संविधान की जो मूल भावना है वो मूल भावना संविधान की है। अच्छा। हम भारत के लोग, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश ही नहीं विश्व भी मुझे देख रहा है, मैं कहना चाहता हूँ गंभीरता से, संविधान की प्रस्तावना जहाँ से प्रारंभ होती है वो कहती है कि हम भारत के लोग, उसमें कहीं नहीं लिखा हम हिंदू लोग या हम मुसलमान लोग, हम सिख लोग, हम ईसाई लोग। अरे भैया सुन लो आचार्य जी, हम कहना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि देश में सबको अपनी अपनी पूजा आराधना करने का अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। बिल्कुल, यही मैं भी कह रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे। हम चाहते 40 सेकंड पूरा हो गया, 40 सेकंड पूरा हो गया। भुवन जोशी अब जो मैं पूछ रही हूँ ठीक वही, जो मैं कहूंगी ना डिट्टो उसी बात का जवाब आप दीजिएगा। ये शफीकुर रहमान बर्क साहब क्या कर रहे हैं, स्वार्थ बढ़ा रहे हैं, बढ़ गया स्वार्थ? मैं आपसे शालिनी जी से बहुत गंभीरता से बता सकता हूँ, पार्टी की लाइन जो पार्टी हमारी जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलती है, हाँ। उसका एक ही विषय है, शफीकुर रहमान बर्क साहब सुन तो लीजिए मैम, अगर आप ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं करिए मेरे को सुन लीजिए, जवाब क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर आपका। सर मैं फंस के आपके साथ ही नहीं रह जाऊंगी ना, बाकी गेस्ट के पास भी मुझे जाना है, सीधा मैं कह रही हूँ शफीकुर रहमान बर्क साहब क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिक स्वार्थ बढ़ा रहे हैं? आपका एक विधायक जब सड़क पर चलता है तो उसके पीछे जो लोग चलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो क्या कर रहा है फिर? सीधा जवाब चाहिए मुझे। मैं शालिनी जी बहुत गंभीरता से करता हूँ, इस देश को और प्रदेश को अगर चला सकता है तो हमारा संविधान चला सकता है, अगर कोई भारतीय जनता, यही मैं कह रही हूँ, संविधान अगर चला सकता है, संविधान चला सकता है तो आजिक खान साहब संविधान अगर चलाएगा देश, भुवन जोशी जी क्योंकि आप बात को घुमाएंगे, आजिक खान जी संविधान चलाएगा ना देश? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि धर्म की आजादी किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती है, जो लोग आवाज नहीं सुनना चाहते हैं उन्हें सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, मैंने बोल रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए मैडम सुप्रीम कोर्ट से चलेगा देश या सुप्रीम कोर्ट ने बताइए, 5 बजे तक के लिए मना किया है और हमारे यहाँ 4 अजान 10 से 6 बजे 10 से सुबह 6 बजे तक, तो हमारे यहाँ 1 अजान जो है फजर की होती है, वो इसलिए होती है उसमें एक आवाज दी जाती है कि नींद नमाज से बेहतर है, अच्छा नींद नमाज से बेहतर दो बार कहा जाता है कि उठ के सो रहा होता है आदमी, गैर होश हो रहा होता है उसकी नींद, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो नहीं सुनना चाहता उन्हें सुनने के लिए नहीं, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी, इस मामले में हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है कि रामणों की बस्ती में राम बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आ रही है दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा है रहीम भी हमारा है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है अजान के अलावा दिए पहले पता कीजिए आप, ये डीजे बनाने पे आया था, लोग रात में शोर करते थे नाच गाना करते थे, अजान नहीं आता, अच्छा डीजे में नहीं सुनना चाहती तो जबरदस्ती आप नहीं सुना सकते, अजान में नहीं सुनना चाहती आप जबरदस्ती सुनाएंगे? नहीं जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाना, वो हाँ। लोगों को बुलाया जा रहा है जो हाँ। ईमान वाले मुसलमानों हाँ। को बुलाया जा रहा है, बोलिए आचार्य जी बोलिए। देखिए हाजी खान जी, जब आपके
पुस्तक जो कुरान है उसमें तो लिखा नहीं है अजान के लिए कि आप लाउड स्पीकर पर ही सुने। वह समय का तकाजा था जिस समय आप लाउड स्पीकर पर सुनते थे, भीड़ कम थी, लेकिन आज लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल करने के माध्यम से, मेल के माध्यम से आप एक घंटा पहले लोगों को खबर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर जबरदस्ती आप लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको रोक नहीं सकते, किसी को आप परेशान नहीं कर सकते। आचार्य जी एक गेस्ट और है, मैं पहले परिचय करवा दूं। वामपंथी नेता विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विवेक श्रीवास्तव जी, हाजी खान साहब ने बोला यहाँ स्टूडियो में बैठ के कुरान में कहीं मेंशन नहीं है लाउड स्पीकर बजे। लाउड स्पीकर का तस्करा हुआ है, कुरान आया 1450 सवाल पर, उसमें कैसे तस्करा हो जाएगा? इसको बंद करना चाहिए। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, आप बोलने का मौका दे रही है, वरना यहाँ तो दो धर्मगुरु लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। एक मौलाना साहब और एक ये दूसरे, तो मेरे ख्याल से डिबेट को न्यूट्रल रखिए थोड़ा, और कॉमन मैन कॉमन सिटीजन क्या सोचता है आप उसकी थोड़ी बात करिए। ठीक है, मेरे हिसाब से न्यूसेंस सिर्फ 10 बजे रात को समाप्त नहीं होती है। अगर मेरे घर के बाहर पंडाल लगा करके, या चलिए मेट्रोपॉलिटन में तो फिर भी 10 बजे का कानून फॉलो होता है, छोटे तबकों में आप जाएंगी तो 10 बजे कुछ नहीं होता। रात रात भर जागरण चलते हैं, ये फैक्ट है, रात रात भर कीर्तन चलते हैं, लाउड स्पीकर भी चलते हैं। 10 बजे के बाद विवेक श्रीवास्तव जी बंद हो जाता है, और जागरण जागराता जब होता है तो रात भर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? आपके रोकने से रुकेगा क्या? थोड़ा सा संवेदनशीलता, पहले मेरी बात सुनिए, मत आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। यहाँ पे जो है हिंदू ये दिखा करके आजान का एक टाइम पीरियड अगर आप नापेंगी तो वो टाइम पीरियड कंपैरेटिवली मुझको शॉर्ट लगा। और आप बताइए 10 बजे सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, कोई सीनियर सिटीजन हो, बुजुर्ग हो, जो 7 बजे खाना खा के रात को सोना चाहे, 8 बजे सोना चाहे, 9 बजे सोना चाहे, और आप खाटू शाम और यहाँ पे वो जागरण चलाए हुए हैं लाउड स्पीकर जला के, तो इस न्यूसेंस वैल्यू में क्या साउंड पोल्यूशन? अच्छा, नहीं जागरण विवेक श्रीवास्तव जी रोज रोज नहीं होता है, जागरण जो है वह किसी खास मौके पर होता है, नवरात्रि पर होता है, दशहरा पर होता है, लेकिन अजान जो है वह 365 दिन होता है। 10 मिनट की अजान है पूरे दिन की, 10 मिनट ओनली, पांच अजान की, 2 मिनट से 10 मिनट दिन दिन भर बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता। ठीक है, उसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अच्छा, अजान के लिए लाउड स्पीकर बजते रहना चाहिए विवेक श्रीवास्तव, आप ये कह रहे हैं? मैं मानू आप ये कह रहे हैं? मेरे हिसाब से हम जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, हमको एक एग्जाम्पल पहले सेट करना चाहिए। अच्छा, पहले हम अपनी जो न्यूसेंस वैल्यू हमारे धर्म वालों ने फैला रखी है, अच्छा, उसको क्वेश्चन करें। अच्छा, उसको सारा ठेका हिंदुओं का है, आप ये कह रहे हैं? सारा ठेका हिंदुओं का है, आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? और मुस्लिम बाहुल्य इलाका जो है जहाँ माइनॉरिटी में हिंदू है, वहां पे फिर क्या करें? वहां क्या करें? वहां मस्जिदों से उतारे लाउड स्पीकर? आप क्या बात कर रहे हैं? कानून तो बराबर होता है, एक खून करो चाहे 10 खून करो। आप कह रहे हैं 2 मिनट की अजान अगर है तो माफ कर दो, 3 मिनट की अजान है तो माफ कर दो, हाँ 1 घंटा कुछ बज रहा है तब फिर पाबंदी लगाओ। इस देश में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, जिस जगह पर हिंदू की जनसंख्या कम है वहाँ हिंदू रह नहीं सकता, वहाँ इतना आतंक फैल जाता है। आप किस देश में हो विवेक श्रीवास्तव जी? आपको तो अफगानिस्तान जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान अगर एक तरफ मैं रख भी दूं तो कानून सबके लिए बराबर होता है, सबको उसका पालन करना चाहिए। लाउड स्पीकर कहीं भी बजे पाबंदी उसके ऊपर होनी चाहिए, और खास करके 365 दिन की अजान के ऊपर जिसमें कुरान भी नहीं कह रही कि लाउड स्पीकर बजाओ। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए शंखनाद। शंखनाद, बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, कैदियों को लेकर ये अहम फैसला है। उत्तर प्रदेश की जेलों में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र अब बजा करेगा, कैदियों की मानसिक शांति के लिए बजेगा ये मंत्र। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जारी किया आदेश, आदेश के बाद कुछ जेलों में गायत्री मंत्र बजने भी लगा है।
मेहमान मेरे साथ तमाम इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह जी, ये नई शुरुआत आपने की है, हालांकि विपक्ष को रास ये आएगी नहीं, विपक्ष का मैं रुख करूं उसके पहले हाजिर खान जी, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए मैडम, सरकार का जो आदेश है वो सरकार को देखना होगा कि उसमें कैदियों की भलाई के लिए क्या है या कैदियों को उसमें क्या फायदा है। हमारा उस पर ना विरोध करने की ज़रूरत है हमें, ना उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत। सरकार का मामला है, सरकार को उत्तर प्रदेश चलाना है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को जो अभी तोहफा दिया है उन्होंने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए, 250 रुपये बढ़ा दिए, 10.5 रुपये डीजल। महामृत्युंजय मंत्र का क्या लाभ क्या होता है? देखिए महामृत्युंजय मृत्यु से बचने के लिए, रोग से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र है। इसके साथ ही साथ गायत्री मंत्र है मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति अगर कोई मार्ग से भटका हुआ है तो वह अच्छे मार्गों पर आ जाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र का अगर जप करने की बात कही गई है तो यह बहुत ही उत्तम है। आचार्य जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे जो सुनना चाहे उसे सुनने दीजिए, जो ना सुनना चाहे उसे मत सुनने दीजिए। जी विवेक श्रीवास्तव, यही तो मैं कह रही थी, आजान जो सुनना चाहे उसे सुनने दीजिए, ना सुनना चाहे उसे मत सुनने दीजिए। नहीं कुछ नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आजान जो है वो जेल नहीं है, ना किसी मंत्रालय के अंडर आ रही है, ना मस्जिद किसी मंत्रालय के अंडर है, लेकिन भारत की जेल तो कहीं तो प्रशासन के अंतर्गत है। तो जो चीज प्रशासन के अंतर्गत है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके एक पर्टिकुलर रिलीजन, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म, उसको थोपना गलत है। कल आप बोलेंगे साहब कि हम यहाँ कुरान शरीफ पढ़वाएंगे लोगों को, अच्छे चीज सब जगह से लेनी चाहिए। अगर अच्छे चीजों से लोगों को लाभ होता है नहीं, अच्छा चीज आपको परेशानी क्या उत्पन्न हो रहा है? आप कौन होते हैं डिफाइन करने वाले? अरे गायत्री आप कौन होते हैं? वामपंथी विचारधारा अपना दे क्या भारत पर? वामपंथी विचारधारा का अंत हो चुका है, अब वामपंथी विचारधारा कहीं नहीं रह चुका है, वामपंथियों का नाश हो चुका है, कोई कहीं नहीं रह पाया है। पश्चिम बंगाल में तो अभी समाप्त हो चुका है। भारत जो है सनातन धर्म का मानने वाला देश है, अगर यहाँ सनातन धर्मावलंबी कोई भी गायत्री मंत्र का जब करते हैं, प्रयोग करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो उनको लाभ होता है। अगर गायत्री मंत्र किसी जेल में करवाया जाता है तो वहाँ की कैदियों को बहुत लाभ होगा, उनकी मानसिक विकास होगा, उनका सामाजिक विकास होगा। अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो उनका शारीरिक विकास होगा, आरोग्य सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए यह बहुत अच्छी चीज है, और कहीं भी अच्छा चीज मिलता है तो उसे लेना चाहिए। शरीर का विकास आप जैसे वामपंथी लोग जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं, उनका वामपंथियों का नाश हो चुका है, इस देश से पूरी तरह से नाश होगा। ठीक है ठीक है, अब भुवन जोशी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, विवेक श्रीवास्तव में समझ गई समझ आ रहा है। भुवन जोशी जी, बात तो मैं भी यही कह रही थी ना, जो सुनना चाहे उसे सुनाओ, जो नहीं सुनना चाहे उसे मत सुनाओ। मैं ये हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रही हूँ सर, मैं नहीं करी। भुवन जोशी, आपके मित्र भी मुसलमान होंगे, मेरे भी है, अजय खान साहब भी हम बैठे हैं, वो जानते हैं अजान के वक्त लाउड स्पीकर बजता है तो सब उठने ही जाते हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, उनकी अपनी कौम में भी हर कोई उठ नहीं जाता, जिसकी मर्जी होती है उठता है, नमाज पढ़ता है, नहीं मर्जी होती है नहीं उठता है, अपने हिसाब से जीने दो ना, भारत है ये। भुवन जोशी, देखिए मैं अभी आपके जो धर्म गुरु है हिंदू धर्म के वो बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी अभी कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जेलों में पढ़ाने से वहां के कैदियों की स्थिति ठीक होगी, मनोस्थिति ठीक होगी, उससे उनका सुधार होगा। मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये नियम को लाई है, कानून को लाई है, लेकिन मुझे लगता है इसकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के चिन्मयानंद जी और आपके सैगर जी और कैनी जैसे लोगों को ज्यादा है, उन कैदियों से भी ज्यादा, क्योंकि लगातार उस समाज में रह के उस समाज का हाथ करने का काम करते हैं। ये वो अपराधी है जो जेल से बाहर है, लेकिन इनकी स्थिति उन कैदियों से भी बदतर है, उनको मनुस्थिति करने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आवश्यकता है। अच्छा, काठकांड कब हुआ था सर, पता है आपको? साल याद है किसका जी? काठकांड याद है, 2014 का है सर, आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने जो आपको विषय सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के कांड में फाइनली जो प्राचीन शिव मंदिर था वहां से लाउड स्पीकर उतारने के लिए कह दिया था। शालिनी जी, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपको भी और भारतीय जनता पार्टी को भी उस चीज से निकलने की आवश्यकता है। हमारी सरकार 7 साल पहले थी। अच्छा, मंदिर पर लाउड स्पीकर था, आपकी सरकार रहते उसे उतरवा दिया गया। मुरादाबाद का ये पूरा मामला
प्राचीन शिव मंदिर था, पहले से वहां लाउड स्पीकर लगा हुआ था, आपने उतरवा दिया, तो अब उससे बाहर निकलने की जरूरत है? 7 साल पुराना यह मामला हो गया है। मैं कह रही हूं आपकी सरकार में जिस तर्ज पर प्राचीन शिव मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया गया, उसी तर्ज पर मैं कह रही हूं क्यों नहीं हटना चाहिए मस्जिद से लाउड स्पीकर? तो अब इससे बाहर निकलने की जरूरत है सर भुवन जोशी, अब इससे बाहर निकलने की जरूरत है? अभी अभी जो आपने प्रश्न करा था, कानून बराबर होता है सबके लिए, ऐसे होगा बराबर? आपने शालिनी जी अभी कहा था कि कैदियों के लिए ये नियम लाई है उत्तर प्रदेश की सरकार, और आपने उस पे हमारी राय मांगी थी, हमने अपना बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को सैगर जी को चिंतामन जी को और कैदी जैसे लोगों को आप भारत में मंदिरों से उतरवा रहे लाउड स्पीकर, और वहाँ तमाम इस्लामिक कंट्रीज है जहाँ लाउड स्पीकर बैन है वो मान रहे हैं, कोई मौलाना सामने नहीं आ रहा है। आप हिंदुस्तान के अंदर मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाइए, और वहां जो मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, वो उतरवा रही है मस्जिद से लाउड स्पीकर। आपको दिक्कत यहाँ भारत में होती है? शालिनी जी ये देश ना तो मेरे कहने से चलेगा, ना आपके कहने से चलेगा, ना या हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है नीला सिंह, इनके कहने से चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में जिस संविधान को मानने वाले लोग हैं। 2014 में शिव मंदिर से लाउड स्पीकर क्यों उतरवाया समाजवादी पार्टी की सरकार रहते? जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ जो भी जिस तरह का अगर कोई गैर कानूनी कृत्य करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेट की सरकार है, सेंटर की सरकार है, आज जो ये नियम लेके आए उस नियम पे प्रतिक्रिया आपने मांगी वो हमने आपको दे दी, हमने बताया। डिबेट में लाउड स्पीकर के ऊपर कर रही हूँ, वो बड़ी खबर आई थी इसलिए बीच में ले ली थी। डिबेट में लाउड स्पीकर के ऊपर कर रही हूँ ये तो पता होगा ना आपको? आप भी सुनिए आजिद खान साहब और मेरे तमाम जो दर्शक है वो समझे कि कानून आखिर कहता क्या है। धर्म की आजादी मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, ये धर्म की आजादी है, किसी को आजान सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं शालिनी कपूर ने कह रही है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए। फिर से सुनिए, रात 10 से सुबह 6, ये जो सुबह की अजान होती है ना वो उसके पहले ही हो जाती है 4:30 पर। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हर राज्य में अलग अलग कानून है, अब यही लूपहोल शुरू होता है। कुछ तो इलाकों में भी कानून बना दिया गया है, कई मुस्लिम देशों में भी लाउड स्पीकर पर आजान बैन है, मुस्लिम देशों में बैन है। अनुराधा पौडवाल ने लाउड आजान पर रोक लगाने की मांग की है, और यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम लोग इसका विरोध करते रहे हैं। भुवन जोशी, पता चला आपको कानून क्या है? मैं आपको बता देता हूँ शांति जी, कानून क्या है। कानून ये है कि भारत के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने धर्म के पालन करने का अधिकार हमारा देश का कानून हमारा संविधान देता है। हाँ। उसके तहत हम कह रहे हैं कि कोई भी न्याय, कोई भी प्रणाली, कोई भी कानून आए वो उसके तहत हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जो संविधान की जो मूल भावना का नाश करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, डिवाइडेड पॉलिटिक्स। अरे समाजवादी पार्टी शुरू से मुस्लिम तुष्टिकरण का बात करते आई है। अनिला सिंह जी देखिए, ऐसा है कि बार बार जो भुवन जोशी जी है ना संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो संविधान में ये लिखा है ना कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है यहाँ पर जोशी जी कि जब मस्जिद में अजा अदा की जाती है कोई परमिशन नहीं ली जाती है, ठीक है ना, और हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो जिसमें कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसा भेदभाव यहाँ पर क्यों है कि जो चाहे वो हमारे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, उनका जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो वो जो है अनिवार्य छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो आप लोग तीन त्योहार जो एक मजहब से आते हैं वहां पे अनिवार्य छुट्टी होती है, तो ये जो गंगा जमनी तहजीब की जो यहाँ पर आप पाठ पढ़ा रहे हैं ना, तो ये केवल एक तरफा नहीं हो सकता। ये वही कांग्रेस है कि 1993 में एक एक्ट लाके यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन बना दी। क्यों बना दी भाई साहब आपने? क्यों भेदभाव कर रहे हैं? संविधान में तो भेदभाव कहीं पे भी नहीं है। नहीं, 1995 में वक्फ बोर्ड यहाँ पर लेकर आ गए नए नए कानून, जिस पर उंगली रख देंगे, जिस हिंदू की प्रॉपर्टी पे उंगली रख देंगे कि ये मुसलमानों की थी, वो जो है उनको मिल जाएगी।
ये जाति अगर हो रही है तो मुसलमानों के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ हो रही है। और एक और चीज बता दूं मैं मौलाना साहब को, क्योंकि बार बार गंगा जमनी तहजीब बता रहे हैं, गाजियाबाद में अभी अभी एक घटना का संज्ञान आया है, पुलिस प्रशासन ने उस पर एक्शन ले लिया है। एक मुसलमानों के मोहल्ले में एक बीमार बच्ची और उसकी माँ रहती थी, जीना दुश्वार कर दिया कि ये प्रॉपर्टी छोड़ो, उनकी खुद की प्रॉपर्टी, निकल जाओ यहां से, जीना दुभर कर दिया। तब आप लोगों को समझ में नहीं आता, तब जो जयचंद जो आप लोगों की वकालत करते हैं, जयचंदों की और मिर्जाफरों की कमी नहीं है मेरे भारत में आज की तारीख में भी। आए दिन टीवी डिबेट्स में भी मैं उनको बोलते हुए देखती हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो इस्लामिक स्कॉलर है वो कम बोल रहे हैं अपने धर्म के लिए, पर बाकी तो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। हिंदुओं के किसी भी कार्यक्रम से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। मैं तो कहती हूँ लगातार इस देश का नाश अलीराजी जयचंदों ने किया है, हिंदू होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले जयचंदों ने इस देश का नाश किया है। विवेक श्रीवास्तव जी आज आपके पास आ रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव मुझे एक बात बताइए ना, अगर बैन हो जाएगा लाउडस्पीकर, अगर लाउडस्पीकर बैन हो जाएगा तो किसी को उससे क्या परेशानी होनी चाहिए? मुझे आपको आप ये बात याद रखिएगा विवेक श्रीवास्तव कि मैं मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं कह रही हूँ। मेरे सेंटेंस को आप गौर से सुनिएगा, लाउडस्पीकर बैन हो किसी को भी आपत्ति क्यों? अब यहाँ मैंने मस्जिद का जिक्र नहीं किया है। विवेक श्रीवास्तव आपकी इस पूरे डिबेट में अनिला सिंह और ये जो हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं महाराज जी, ये दोनों लोग एक ही चीज कहना चाहते हैं। कहते हैं साहब कि बहुत बड़ा अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, 80-85% हिंदू है लेकिन देखो 14% मुसलमान हम पे हावी हो गए। 1947 से लेकर के 2022 तक इन 14% मुसलमानों ने 85% हिंदुओं को त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया, जान बचाने की जरूरत आ रही साहब। 40% की स्थिति आ गई है। सुनो पहले महाराज, सुनो पहले कान खोल के। अरे श्रीवास्तव ये हम अपने काम सुनो, उसने अपने देश को बेच खाया, हिंदू द्रोही। 1947 से लेकर के चुप करो, सुनो के खिलाफ बोलते हो। 2022 तक 1947 से 2022 तक यह सनातनियों का देश है, सनातन धर्म से या देश चलेगा, वामपंथियों से देश नहीं चलेगा। नोएडा की अथॉरिटी, तुम्हारी पुलिस, आईएएस, जज, वकील, सरकारी स्कूल टीचर, ये 90% हिंदू है और भ्रष्ट है, अपने देश को खुद खाया है तुमने। आराम से विवेक, और यहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हो। लाउडस्पीकर से बैन, दिक्कत किसे? मुसलमानों ने इस देश का खात्मा नहीं किया, इस देश का खात्मा इस देश का जयचंदों ने खात्मा किया है। सबसे हिंदू जयचंदों ने खात्मा किया इस देश का। MP MLA होते थे, 90% IAS, 90% IPS, 90% सरकारी स्कूल। विवेक श्रीवास्तव सर, मुझे फिर दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं सीधा पूछ रही हूँ आपसे, विवेक श्रीवास्तव, मैं सीधा पूछ रही हूँ, लाउडस्पीकर बैन होने पर दिक्कत क्या 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 घट जाएगा? क्या घट जाएगा? कुछ कम हो जाएगा? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, बताइए। क्योंकि आपकी लाउडस्पीकर बैन करने की भावना गलत है। अच्छा, आपकी लाउडस्पीकर बैन करने की भावना साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ मुसलमानों को। सर मेरी भावना गलत है और आपसे मैच नहीं हो रही, आपसे मैच नहीं हो रही। लगता है लाउडस्पीकर जान बुरा नहीं लगता, नीट की दुकानें बंद करी है। नहीं नहीं सर, सुंदरकांड का पाठ अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपकी नियत पर मैं सवाल क्यों नहीं उठा सकती? अगर अखंड रामायण का पाठ आपको बुरा लग रहा है, आपकी नियत पर मैं सवाल क्यों नहीं उठा सकती? सिर्फ इसलिए कि आपकी विचारधारा से मेरी सोच अलग है, आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते। सिर्फ इसलिए कि पांच पैरलिस्ट में दो आपकी सोच के विरुद्ध है। सर सुनिए, विवेक श्रीवास्तव चिल्ला के कुछ नहीं होगा। विवेक श्रीवास्तव ऊंची आवाज से कुछ नहीं होगा। ऊंची आवाज ना, अजान भी ऊंची आवाज में लगाई जाती है और कभी राज नहीं, 1400 की ईस्वी में ना उसे मना करके गए, तब लाउडस्पीकर था भी नहीं। तो चिल्लाइए मत, यही कबीर कह के गए कि ऊंची आवाज से खुदा तक आवाज पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरी बात नहीं तो कबीर की बात सुन लीजिए, 1400 की ईस्वी में वो बोल के गए। चिल्लाइए मत विवेक श्रीवास्तव, आप जो सोच रहे हैं आपकी सोच से मेरी सोच अलग है, इसलिए आप मेरे पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आपको अखंड रामायण बुरी लग रही है, आपको हनुमान चालीसा बुरी लग रही है, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरी नियत पर आप सवाल मत खड़े कीजिए। भुवन जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे पास समय भी कम है सर। भुवन जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं? भुवन जोशी
देखिए मैं एक मिनट सर, देखिए मैं कहना चाहता हूँ अनिला सिंह जी को थोड़ा सा याद दिला दूं। अनिला सिंह जी शायद थोड़ी भ्रम की स्थिति में है, जो जो दिक्कतें इन्होंने बताई है हिंदू धर्म पे है, और इनकी सरकार 6 साल से तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की हो गई, 17 साल प्रारंभ हो गया, शायद इनका ज्ञानवर्धन कर दूं। मोदी जी 9 साल से है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उससे पहले इनके राजनाथ सिंह जी रहे, कल्याण सिंह जी रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी हुए, तो क्यों ना संसद का और विधानसभा में प्रस्ताव ला के इनके जो मुद्दे हैं उनको हल करा उन्होंने। ये केवल केवल डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं और संविधान। सर शफीकुर रहमान वर्ग क्या कर रहे हैं, और मुझे आखिरी बात का आप सवाल दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है, क्योंकि सर शफीकुर रहमान वर्ग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने का काम नहीं कर रहे। देखिए वर्ग का तर्क पता है आपको, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं इस देश के संविधान के हिसाब से शफीकुर रहमान वर्ग पार्टी से निकालेंगे, पार्टी से निकालेंगे, तो दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे निकाल पाएंगे सर, नहीं निकाल पाएंगे, मुस्लिम वोट चाहिए और वो भी तब जबकि हार यार बार मिल रही है, फिर भी समझ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन लाउडस्पीकर बैन क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, बड़ी पुरानी ये लड़ाई है, लेकिन कुरान में या किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि लाउडस्पीकर जब तक बजेगा नहीं, खुदा अल्लाह भगवान आपकी सुनेगा नहीं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।